रास्ते में मॉनिटर लिजर्ड है, बाप रे। इसके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन था वैसे। हे गाइस, तो स्वागत है आज आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। आज है मेरा श्रीलंका में डे टू। कल का आपने व्लॉग देखा होगा जो निगम्बो में था, और निगम्बो से मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ दम्बुला, जो मैंने आपको कल बताया था। कैसे आना है ये भी आपको बता देता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बैकपैकर हूँ, मैं कोई टूर तो करता नहीं हूँ। तो दम्बुला आने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा बस स्टैंड निगम्बो में या कोलम्बो में, जहाँ भी आप रह रहे हो, क्योंकि फर्स्ट जो प्लेस होती है वो जनरली पर्सन वहीं पे उतरता है कोलंबो में, पर मैं निगम्बो में आ गया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखना, आपको समझ आएगा बेटर कि मैं अभी दम्बुला क्यों आया हूँ। और दम्बुला आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर फेमस रॉक टेम्पल है, रॉक केव है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ सिगरिया जो है, सिगरिया में जो रावण रॉक है आपको मालूम होगा, वो भी बहुत फेमस रॉक है, वहाँ जा रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल। और सुबह की अभी बज रही है 8। और यहाँ पे कैसे आ सकते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे नीचे लिख दूंगा मैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं मालूम है, मतलब परफेक्ट नाम नहीं मालूम है कि वो क्या है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। पर निगम्बो से मैं गया वहाँ के बस स्टैंड पे मैंने ली एसी बस, और वहाँ से गया मैं केरनागला से दूसरी बस ली, और बस लेकर मैं डायरेक्टली दम्बुला आ गया। दम्बुला में जहाँ पर अभी मैं रुका हूँ, ये आपको पूरा टूर देता हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है सिटी सेंटर, जो दम्बुला का मेन सेंटर है। दूसरा एक और रीज़न था कि भाई मैं क्यों आया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ा। अगर आप टुकटुक से आते हो या अगर आप उबर से आते हो ना, तो आपको 15,000 श्रीलंकन रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जो कि 2,500-3,000 रुपये के आसपास होते हैं। और मुझे वहाँ पर जब मैं घूम रहा था और मैं जिस होटल में रुका हुआ था निगम्बो में, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप चीप वे में जा सकते हो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, एसी बस है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो मैं डायरेक्टली बस में चला गया। बस से मुझे पड़ा, मतलब निगम्बो से जब मैं केरनागला आया तो मुझे 1,000 श्रीलंकन रुपीज़ देने पड़े, और केरनागला से दम्बुला के लिए 250 श्रीलंकन रुपीज़ देने पड़े, जो 1,250 श्रीलंकन रुपीज़ टोटल हो गए। उसमें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप देखोगे तो 350-400 रुपये के आसपास बनते हैं। और यही अगर मैं टुकटुक या दूसरी किसी चीज़ से आता तो भाई 15,000 श्रीलंकन रुपीज़ देने पड़ते, जो कि बनते हैं 3,500-3,000, जिसका कोई सेंस नहीं उठता है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली सेंस है, वरना तो कोई सेंस उठता नहीं है। खैर, मैं आपको अब रूम का टूर दे देता हूँ। ये एक्चुअली मैंने booking.com से ही बुक किया था, जस्ट बिकॉज उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। यहाँ पे फॉरेनर्स रुकते हैं, इंडियंस नहीं रुकते यहाँ पर आके जनरली, बिकॉज ये 1-स्टार होटल है, 1-स्टार को कोई प्रेफर नहीं करता है, बट इनके होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह और बहुत ज़्यादा बजट में है, और सब कुछ दिया है भाई इन्होंने। मेरे को समझ नहीं आता है कि कुछ लोग नेचर क्यों नहीं प्रेफर करते हैं। खैर, सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, क्योंकि लोगों को ऐसी जगहों पे आके स्विमिंग पूल और लाइक 5-स्टार लग्जरी रिसॉर्ट्स पसंद आते हैं, पर बैकपैकिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर ये परफेक्ट चीज़ नहीं होती है यार। खैर, मैं अब रूम का आपको टूर दे देता हूँ। ये है भाई बेड, पूरा ख़राब हो गया क्योंकि सोया था मैं कल यहाँ पर। यहाँ पे है भाई टेबल, ठीक है, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। उसके अलावा टीवी है यहाँ पर, और देख लो भाई ये 9.3 रेटिंग है, न्यू पिकॉक रिसॉर्ट करके नाम है दम्बुला में। और उसके अलावा नेटिंग एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे डेंगू की थोड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों ने बोला है, क्योंकि मच्छर खतरनाक है। एसी भी दिया है, और भाई फ्रिज है। उसके अलावा यहाँ पर कपड़े सुखाने का स्टैंड है, यहाँ पर टेबल है, पेंटिंग्स, और उसके अलावा मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात यह थी कि होस्ट ने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया है, बॉटल, उसके अलावा क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम भी डिसेंट सा है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा इन्होंने शॉवर जेल प्रोवाइड करी, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। लाइट जला के दिखा देता हूँ मैं, आप देख सकते हो, मतलब पिंक सा अच्छा सा है और एकदम क्लीन है यार। पूरा रूम मुझे क्लीन दिया गया था, मतलब दूसरे रूम्स में, इवन 5-स्टार जो 5-स्टार रूम्स थे उसमें भी काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम ये बताई हुई है कि यहाँ पे फ्रॉग्स बहुत हैं, बिकॉज़ ये पूरा जंगल एरिया है और नेचुरल एरिया है ये पूरा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हर तरीके का जानवर है, तो भाई उनसे तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। पर इतना भी जंगल नहीं है, मेन जो सिगरिया जो जगह है वो मेन जंगल है। काफ़ी लोग सिगरिया में भी जाकर रुकते हैं, पर सिगरिया और दम्बुला दोनों ही चीप हैं। ये वाला पर्टिकुलर रूम मुझे पड़ा
900 इंडियन रुपीज़ में, जो कि करीब करीब होता है 4,000 श्रीलंकन डॉलर्स, श्रीलंकन रुपीज़। और आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन अगर आप चाहो, और अकेले आप रहना चाहो तो भी सही है, फैमिली के हिसाब से भी सही है। और अगर आपको लग्जरी स्टेज बुक करने हैं तो भाई वो तो आपको अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे। खैर, मैं अभी बाहर का भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा नज़ारा है बाहर का, आपको देख के लाइक बहुत अच्छा फील होगा। और आसपास यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक्स भी घूम रहे थे, अभी अभी हैं कि नहीं मालूम नहीं, पर बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है और बाहर बैठने की जगह है, होस्ट बहुत अच्छे हैं। और चलो, होस्ट से भी अगर हुआ तो मैं मिलवा दूंगा। तो भाई ये गेट खोला, और गेट खोलते सही यहाँ से तो खैर कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज़ ये विंडोज़ आपको ओपन करने पड़ेंगे, पर यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये यहाँ पर बैठने की जगह, और ये वाला है मेरा पर्टिकुलर ये वाला रूम। उसके अलावा 3-4 रूम्स हैं, ऊपर भी हैं, ऊपर से भी अगर आप चाहो तो। और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और सामने रिसेप्शन है, बहुत ही अच्छी जगह। और मोर घूमते हैं यार यहाँ पे बहुत सारे, इस रास्ते पे ही जो ये आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से अगर आप बाहर जाओगे सीधे होके और यहाँ से अगर लेफ़्ट लोगे तो करीब करीब लाइक 500 मीटर्स की दूरी पर है सिटी सेंटर, जो कि 5 मिनट में आ जाएगा, जो मेन दम्बुला जहाँ पर आपको बस उतारती है। आप करनागला से जब आओगे तो बस आपको यहीं उतारेगी। ATMs हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, पर ये वाला जो पर्टिकुलर रिसॉर्ट है, मतलब रिसॉर्ट तो नहीं बोलूँगा, ये प्राइवेट प्लेस ही है, और इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया पूरा, देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, इसको कन्वर्ट कर दिया है और पूरा नेचर में बसा हुआ है, इसलिए इसको लेने का रीज़न वन ऑफ दी फॉरमोस्ट यही था। और बाहर भी आप देख सकते हो पूरे जंगली जंगल है यार, यहाँ पे पार्किंग की स्पेस भी है और बहुत अच्छी जगह। और सबसे बड़ी बात तो भाई इंडियन रुपीज़ में जस्ट 1,000 रुपीज़ का पड़ा, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सब देख सकते हो यहाँ पे। खैर, अभी यहाँ से निकलेंगे गाइज और चलते हैं यार, क्योंकि टुक टुक ही बुक करनी पड़ेगी वहाँ के लिए, 2-3 जगहों पे जहाँ पे भी मैं जाऊँगा। बाहर से भी देख सकते हो न्यू न्यू पिकॉक रिसॉर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जंगल है, आसपास पूरा जंगल ही जंगल है, तो एकदम बढ़िया प्लेस है। कैमराज लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से जाने वाला हूँ 2 जगहों पर, एक है पोलन नलुआ, वो भी मैं नीचे लिख दूंगा, मेरे को प्रोनंसिएशन प्रॉपर नहीं आता है, और दूसरा सिगिरिया। उसके अलावा जो दम्बुला ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी बहुत एक फेमस केव है, जो कि हम कल के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज़ आज मैंने सिगिरिया के लिए इसलिए रखा था बिकॉज़ उधर क्लाइंब करने में भी टाइम लगेगा, वहाँ की फ़ीस भी अच्छी खासी है भाई, 10,000 श्रीलंकन रुपीज़ है शायद, वो वहीं पर चल के आपको दिखाऊँगा, जो करीब करीब बनते हैं भाई 2,500 रुपये। आपको अगर रॉक वो चढ़ना है तो आपको 2,500 देने पड़ेंगे। और उसके सामने एक और फेमस रॉक है, वो भी आप जा सकते हो, पर सिगरिया मेन फेमस है। और उस दूसरे वाले रॉक की खास बात यह है, वो भी मैं नीचे लिख दूंगा स्क्रीन के नीचे, वो उसकी खास बात यह है कि वहाँ से आप जब चढ़ते हो तो आपको सीधे सिगरिया दिखता है, सिगरिया रॉक। तो कुछ लोग ऐसे प्रेफर करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भाई बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं रुको, आप बुर्ज खलीफा को देखना चाहते हो तो उसके सामने से जाकर देखो, किसी सामने वाले होटल में जाके रुको तो बेटर दिखेगा, तो ऐसी ही कुछ बात है। खैर, अभी मैं टुक टुक लेता हूँ और यहाँ से निकलते हैं, और टुक टुक मुझे यहाँ से पड़ेगी करीब करीब 13,000 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि बनते हैं वही 3,500-3,000 रुपये के आसपास। और फिर हम पहुँचते हैं रॉक पे, रॉक की फीस एंट्री करके मैं आपको रॉक दिखाता हूँ, और चलो चलो घूमते, आज हम अपना Day 2 पूरा करते हैं और इन्जॉय करते हैं। Thank you.
फाइनली पहुंच गए हैं जगह पे, और ये है सिगरिया। और पीछे आप देख सकते हो, आ देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर फॉरेनर्स हैं और बहुत सारी टैक्सीज हैं, बहुत सारे लोकल टूर गाइड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सामने की तरफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ना बंदर घूम रहे हैं, जो कि बहुत शैतान है। पहले ही बोल दिया उन्होंने कि भैया अपना सारा सामान अंदर रखना, वरना ये सब कुछ छीन के भाग जाएंगे, देख सकते हो आप। और यही सामने से एंट्रेंस है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एटीएम है, तो पैसे पहले ही लेके आना। अच्छा, पासपोर्ट अपना साथ में लेकर आना, जस्ट बिकॉज आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा उसमें। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि सिगरिया कितनी दूर है, और म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम भी बहुत अच्छी है। तो पहले म्यूज़ियम विज़िट करेंगे, जो टिकट में इंक्लूड होगी, और उसके साथ साथ सिगरिया रॉक जाएंगे। और ये है एंट्रेंस, यहाँ से बॉटल्स वॉटल्स पहले ही लिखा हुआ है, ये कीमत लेकर आना भाई, कचरा मत करना यहाँ पे। और भाई हमको ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये छोटे छोटे, यार क्यूट लग रहे हैं एकदम। और ये जगह भी देख सकते हो, यहाँ से पूरी एंट्रेंस है। चलते हैं आगे की तरफ। और 50% डिस्काउंट मतलब $15 का पड़ेगा, $15, और जो US के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनको $30 के आसपास पड़ेगा, उनके लिए कुछ डिस्काउंट नहीं है। देखो यहाँ पर भी, देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन बी सीन अराउंड द सिगरिया प्रीमाइसेस, देख सकते हो बहुत सारे। स्पॉटेड स्किंक, ये स्पॉटेड स्किंक ये वाला जो है, ये कैसा दिख रहा है। खैर चलते हैं आगे। लेपर्ड भी है भाई, पेंगुलिन्स, लेपर्ड्स। चलते हैं आगे, यहीं पे मिलेगी अभी यहाँ पे टिकट अंदर जाके। एक्चुअली बहुत सारे गाइड्स हैं, तो भाई गाइड्स को मना तो नहीं कर सकते, बिकॉज मना करो तो सर खाते हैं यार। तो मैंने बस ये बोल दिया कि मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि कोई ज़्यादा क्या ही बात करे, मुझे नहीं अच्छा लगता गाइड ले जाना। जा सकते हैं खुद ही, कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वाकई लगता है कि इसकी हिस्ट्री जाननी है और गाइड की ज़रूरत है, तो आप लेकर भी जाओ। यहाँ से मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली टिकट, राइट साइड, और म्यूज़ियम इधर की तरफ है। तो पहले म्यूज़ियम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम सिगरिया रॉक। अच्छा, यहाँ पे म्यूज़ियम का ऑफिस है अगर टिकट चाहिए तो। और यहाँ पर भी अगेन वैसा ही लोटस वाले फॉर्मेशंस हैं, हालांकि एक भी लोटस दिख तो नहीं रहा है, सब सूख गए हैं। चलते हैं आगे। तो इस साइड है म्यूज़ियम की एंट्रेंस, और थोड़ा सा आगे चल के आओगे तो यहाँ पे टिकट का काउंटर है, टिकट्स मिल रही हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। मैं भी लगूँगा अभी लाइन में, और पासपोर्ट दिखाने के बाद 50% ऑफ मिलेगा इंडियंस को, इंडियंस मतलब एशियंस को बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हो, और चिल्ड्रन की फ़ीस वैसे ही आधी है, और एडल्ट्स की 30 है, जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स मतलब US, UK के लोग। और ये आइट साइड का आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर, अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले अभी मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ म्यूज़ियम की तरफ टिकट लेके, और उसके बाद फिर जाएंगे हम रॉक देखने। लेता हूँ टिकट पहले, ले ली टिकट भाई, कितने की मिली, $15 पासपोर्ट दिखाने के बाद। और यहाँ से एंट्रेंस है, ये साइड के नज़ारे देख सकते हो सामने पूरा, और यहाँ से एंट्रेंस है। तो जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम की तरफ पहले। दिस ओके, थैंक यू।
फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। ये गैलरी है भाई। कैमरा इज अलाउड इनसाइड? कैमरा नो अलाउड? ओके, तो भाई अंदर तो नहीं दिखा पाऊँगा, दिखा पाया तो दिखाता हूँ। तो भाई पीछे की तरफ म्यूज़ियम थी, म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं। पेदुरंगला लॉक रॉक, जिसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, जो एक सामने रॉक है, सस्ता थोड़ा इससे चीप है, वो यहाँ से सामने से दिखेगा। मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ उसके बारे में, और सिगरिया के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। उसके अलावा सिगरिया और दम्बुला के लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, यहाँ का लोकल मार्शल आर्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। मतलब सब तो नहीं बता सकता, पर अंदर कोई वीडियो लेना अलाउड नहीं था तो मैंने आपको बताया नहीं। पर यही है म्यूज़ियम पूरी, जहाँ से मैं अभी चल के जा रहा हूँ। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर जाके सीधे सिगरिया रॉक में जाएंगे। तो एक बार इसको विज़िट ज़रूर करना अगर आते हो तो। अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और बुद्धा के इमेजेस पड़े हैं, बुद्धा के बहुत सारे, मतलब उनका एक फॉर्म पड़ा हुआ है, क्या बोल सकते हैं उसको, उनका मतलब एक तरीके से रेप्लिका पड़ा हुआ है, उनके फुटस्टेप्स पड़े हुए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है यहाँ पे, और यहाँ पे बुक और सुवनियर्स मिल रहे हैं। इधर की तरफ बुक्स हैं और सुवनियर्स हैं, देख सकते हो। मैं तो नहीं जा रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से रॉक जाना है, और उसके बाद दूसरी एक सिटी है उन्नावुल्ला करके, पुन्नावुल्ला लिख दूंगा मैं स्क्रीन में। ये देखो यार, लोटस उग रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली पुन्नावुल्ला में जाना है मुझे। ये पूरे लोटस, हर जगह आपको लोटस ही दिखेंगे, और आसपास ये नेचुरल पूरे फॉर्मेशंस हैं, पूरा एक तरीके से स्वैम्पी है हर जगह। और यहाँ से एग्जिट है। तो यहाँ से भाई स्टार्ट होता है रॉक की एंट्री। उस तरफ पीछे की तरफ था म्यूज़ियम जो अभी हम होकर आए, यहाँ से आपने देखा, और अभी चल रहे हैं सीधे रॉक की तरफ। बहुत ही प्यारी जगह यार, बहुत औसम मज़ा आ रहा है, बिकॉज हर जगह इतनी हरियाली है यहाँ पे। तो ठंड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर जो हवा है ना, हवा यहाँ की बहुत साफ़ है। स्पेशली जब आप दिल्ली से आओगे ना तो ऐसा लगेगा, मज़ा आएगा लिटरली क्लीनलीनेस का। मतलब इतने ये लोग जो पैसे चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इधर लगाते ही होंगे। देख सकते हो अलग अलग ट्रीज। चलते हैं अंदर की तरफ। ये सामने की तरफ इधर टिकट दिखानी है, और टिकट देके उधर जाएंगे अंदर की तरफ। आसपास पूरे घने जंगल, इसलिए बाहर इतने सारे जानवर लिखे हुए थे बिकॉज ये पूरा जंगल है। और पीछे की तरफ, उधर पीछे पूरा स्वैम्प है जहाँ पे लोटस उग रहे हैं, और बाकी सब अभी लोटस दिख तो नहीं रहे, हाँ पर उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो खिल गई है वाइट कलर के, धीरे धीरे पूरे पिंक हो जाएंगे। बहुत बड़ा स्वैम्प है यार, हो सकता है इसमें क्रोकोडाइल भी हो, मालूम नहीं, इट्स पॉसिबल। लेट्स गो इनसाइड गाइस, फिर दिखाता हूँ मैं आगे। तो आगे चल के भाई आ गए हैं यहाँ पे, राइट साइड आप देख सकते हो क्या है पूरा। ये एक्चुअली वाटर गार्डन है, जिसके बारे में अंदर भी लिखा हुआ था म्यूज़ियम में, मिनिएचर वाटर गार्डन। ये पूरा जो आपको सामने दिख रहा है, उधर भी कुछ तो लिखा हुआ है, सब वाटर गार्डन ही है। यहाँ से नीचे जा सकते हैं, पर अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, और राइट साइड पूरा नेचुरल जंगल, बटरफ्लाइज, और बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर है। अभी बज रही है 11, तो 2 घंटे तो हो गए, और ये है ट्रिपल एंट्रेंस, मतलब 3 जगह से शायद जा सकते हैं, ऐसा कुछ है। और ये रही भाई वो लिज़र्ड जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये रही वो लिज़र्ड।
अगेन यहाँ पे देख सकते हो और वाटर गार्डन, यहाँ पर भी राइट साइड पूरा छिपकली वहाँ पे थी, भाग गई देख के। और भाई रॉक आपको सामने दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कहाँ तक जाना है, मोस्ट प्रोबेबली पूरा ऊपर चढ़ेंगे, एग्जैक्ट मालूम नहीं है कितना चढ़ना है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचने में। और हर जगह वाटर गार्डन से बहुत सारे, कोई दूसरा एनिमल दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा, जितने बाहर दिखाए थे उसमें से एक तो दिखा अभी। और वाटर गार्डन से यहाँ पे सामने की तरफ, पर पूरे स्वैम्प है तो कोई मतलब नहीं है। और वो रहा भाई रॉक, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली सिगरिया के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और अंदर भी लिखा हुआ था कि बहुत पुराना रॉक है, करीब करीब 2800 मिलियन ईयर्स लिखे हुए थे म्यूज़ियम में, तो आप सोच सकते हो। और यहाँ से एंट्री है, और वहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे सामने, जूम करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ जाना है पर पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलते हैं अंदर। बस धूप से मेरे को बहुत परेशानी होती है यार, धूप जलाती नहीं है बिल्कुल भी, पर फिर भी आओ यहाँ पर तो सनस्क्रीन लगा के आना। मैं तो आज बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जस्ट बिकॉज़ मुझे ऐसा सनबर्न होता है इतना इंटेंस, जस्ट बिकॉज़ मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो थिन स्किन वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऊपर से फेयर स्किन की और ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि भाई एकदम से टैन हो जाते हैं, और मेरा ऐसा टैन होता है कि वो निकलता ही नहीं है भाई, इसलिए मैं फुल स्लीव और ज़्यादातर कैप्स और सब कुछ लेकर ही आता हूँ, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। घर पे जाके अपने आप को वापस ठीक करके, एक बार यहाँ पर बिगाड़ो और घर पे जाके अपने आप को ठीक करो, कोई मतलब नहीं है। ये राइट साइड के फॉर्मेशन भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, पूरा नेचुरल है यार, इसको कोई इन्होंने सिर्फ क्लीन रखा हुआ है, कोई ऑल्ट्रेशंस नहीं किए। बस मैं बेसिकली सिर्फ व्यू के लिए ही जा रहा हूँ, और मुझे यहाँ से दिख रहे हैं लोग, आप देख सकते हो कितनी ऊपर लोग खड़े हैं। सिर्फ व्यू के लिए ही जा रहा हूँ मैं कि कैसा व्यू दिखेगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रॉक है, चलो थोड़ा आगे चला जाए उधर की तरफ, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। तो थोड़ी सी आगे आओगे तो यहाँ पर एक ऑक्टेगोनल पॉन्ड है, जो कि चल के दिखाता हूँ। रॉक तो अभी बहुत आगे है भाई। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि हम जा ही नहीं रहे ऊपर, हम आधे से ही वापस आ जा रहे हैं, पर मैं तो जाऊँगा और पूरे 2 घंटे लगेंगे ऊपर पहुँचने में। और यहाँ पर वो पॉन्ड है ऑक्टेगोनल, ये रहा देख सकते हो, पूरे ऑक्टेगन शेप में बना हुआ है। ऐसा कुछ खास तो लग नहीं रहा है इसके अंदर, पर बहुत गंदा पानी है। चलते हैं आगे। तो जिस जिसको रॉक नहीं चढ़ना है वो यहीं से खिसक सकता है भाई, यहाँ से सीधे जाके वापस बाहर निकल जाओगे। और इच्छा हो, नहीं भरी हो, चुल अभी भी बची हो, तो यहाँ से सीधे आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ, और मैं तो जा ही रहा हूँ। 360 कैमरा भूल गया यार घर पे, लेके आता तो और सही व्यू आता घर पे, मतलब होटल में। और यहाँ से एंट्री है, यहाँ पर भी कुछ तो लिखा हुआ है बोल्डर के बारे में। चलते हैं आगे।
करीब करीब इन्होंने बोला है कि 1200 स्टेप्स हैं, 1200 है कि 12, हाँ 1200 ही होंगी, 12000 तो नहीं हो सकती है। 1 किलोमीटर का रास्ता है ऊपर की तरफ। मेरे को लगता है ये आर्टिफिशियली बनाया है इन्होंने, ये पहले से नहीं बना होगा, पूरा इस रॉक को काट के और बनाया है। पर जगह बहुत बढ़िया दिख रही है। दीज प्लेसेस कैन बी विजिटेड ड्यूरिंग दी एग्जिट। 3-4 जगह और हैं जो इधर से जा सकते हैं और यहाँ से ऊपर पहुँच तो जाएंगे जल्दी। जब हम अमरनाथ चढ़ के आ गए, बहुत सारे माउंटेन्स चढ़ के आ गए, तो ये इतना खास नहीं लगेगा। पर ठीक है, बहुत टाइम बाद आते हैं तो वैसे भी सांस फूलती है। थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा बिकॉज एकदम सीधी चढ़ाव तो है नहीं। और यहाँ पे वास्प लिखा हुआ है, ये वास्प भाई बहुत खतरनाक होता है, एक बार काट ले तो ऐसी 12 बजती है ना कि कुछ बोल ही नहीं सकते। और हॉर्नेट और खतरनाक होता है। How much time towards here? How much time to climb the mountain? I don't speak English. Okay, okay, fine. ओह भैया, देख सकते हो यहाँ से आ रहे हैं और चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, देख सकते हो इधर की तरफ जाना है। अभी ऊपर से व्यू बड़ा गजब का आएगा और ये पूरा रास्ता है। दिख बड़ा प्यारा रहा है यार, नो डाउट। क्लीनलीनेस बहुत इन्होंने मेंटेन कर रखी है, एक्सेप्ट जो नेचुरल है वो तो होगी होगी। हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, पानी की बोतल में लाना भूल गया जो कि लेके आना था, पर ठीक है। बम्बारस और द जायंट हनी बीज आर द इम्पोर्टेंट पॉलीनेटर होंगे यहाँ पे आसपास कहीं दिखा हुआ है तो ऊपर कहीं पे। वास्प और हनी बीज बहुत है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। वो देख रहे हो कहाँ जाना है, उधर यहाँ से होते हुए। और मैं कम्प्लीटली भीग चुका हूँ अभी, स्वेट स्वेट में, क्योंकि यहाँ पर 32 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यार अभी, इसलिए 12 बजी हुई है। सामने जाना है भाई, उधर ऊपर की तरफ, यहाँ से रास्ता है पूरा उधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ पे मैं आ गया हूँ यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। यहाँ पे बेसिकली एक हॉल्ट है छोटा सा, थक गए, आधा किलोमीटर भी नहीं चले फिर भी थक गए। व्यू देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है श्रीलंका, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नेचुरल है पूरा, जंगल है, जंगल के बीच में दम्बुला भी यहीं कहीं है। एंड ये जो एरिया है ये पूरा सिगरिया है, बहुत ही औसम है। और जूम करता हूँ एक बुद्धा जी पे जो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, ये रहे। और जूम करूँगा तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, अभी जस्ट 10x का जूम है ये। चलते हैं ऊपर की तरफ गाइस, उधर ऊपर जाके व्यू दिखेगा, बहुत शानदार बहुत प्यारा। बस उसी के लिए जा रहे हैं बेसिकली। और बंदर है यहाँ पे बहुत सारे,
ये देखो, ये शायद वही है, हॉर्नेट्स और वास्प के फॉर्मेशन सही है जो लिखा हुआ था। वो एक पुलिस वाले भैया खड़े हुए यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, जो कि वाकई ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है लोगों को इंजरी हो जाए, स्लिपरी है पूरी जगह। तो गाइस कर लिया ये पूरा क्रॉस और करके ऊपर आ चुके हैं और सामने के अब नज़ारे देख सकते हो। अब यहाँ से और ऊपर जाना है पीछे की तरफ, पर थोड़ा अब यहाँ पे रेस्ट किया जाए। वास पटेक एरिया ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, नाइस प्लेस। और फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हो थोड़े फ़ोटोज़ खिंचा के। फॉर्मेशंस बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, नो डाउट, वेरी ब्यूटीफुल। और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और मेन तो व्यू है भाई, बहुत सेक्सी पीछे की तरफ। बेसिकली जहाँ से ऊपर चढ़ना है उसका नाम है लायन स्टेयरकेस, और ये सामने आप देख सकते हो, इसको लायन स्टेयरकेस बोलते हैं। और यहीं से अब मेन एंट्रेंस है ऊपर की तरफ। हाँ बाप रे, और उसके आप पैर देख सकते हो लायन के दोनों तरफ, वो भी बहुत सही लग रहा है। तो देख लो भाई, चढ़ रहे हैं यहाँ से, और कैसी खतरनाक सीढ़ियाँ आउट ऑफ नोवेयर, और वहाँ जाना है। मैं अभी पीछे करके दिखा भी नहीं सकता हूँ जस्ट बिकॉज हाथ पकड़ा हुआ है रेलिंग पे, बहुत रिस्की है, पर जो व्यू दिख रहा है ना वो बहुत ही आसम है, दिखाता हूँ। थोड़ा ऊपर पहुँच जाऊँ भाई, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जब मेरी फट रही है तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है कि मुंह उठा के नहीं चल के आ सकते हो। और साइड का ये व्यू देखो, और वो जो सामने दिख रहा है वही वो रॉक है, बिना गला, जो मैंने पहले भी बताया था स्क्रीन पे। और क्या नज़ारा है यार, मज़ा आ गया देख के, ऊपर से कितना खूबसूरत दिखेगा। वो सामने वाले रॉक पे भी लोग खड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं आते। देख सकते हो भाई पीछे जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, तो बस जैसे ही वो चढ़ाव क्लाइंब करी और उसके बाद भाई पहुंच चुके हैं ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर है, ज़रा सा ही है, पर बेसिकली यही एरिया है। दिखाता हूँ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और लिटरली ये क्लाइंब वर्थ इट रही यार। ये पीछे देख सकते हो आप, वाव, दिस इज़ दी नेचुरल ब्यूटी ऑफ श्रीलंका। ये पूरा घना जंगल है बेसिकली, यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स का यहाँ पर सबसे बिगेस्ट पार्क है एशिया में, एलिफेंट की गैदरिंग के लिए, और हमें वहाँ जाना है ऊपर, बस थोड़ा सा ही है। और वो सामने की तरफ आपको जो रॉक दिख रहा है
पिन्ना गला, वहाँ से सिगरिया का लुक दिखता है पूरा, जैसा मैंने आपको नीचे से दिखाया था वैसे ही दिखेगा। और ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ पे, ड्रोन का लिखा हुआ है, पर वर्थ इट है। हवा अच्छी चल रही है और बहुत ही ऑसम वेदर है अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज जल्दी आ गए और करीब आधा घंटा ही लगा ऊपर आने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और सामने आप देख सकते हो ये वाला रॉक, ये भी पूरा सब डम्बुला और सिगरिया का ही पार्ट है जैसा नीचे म्यूजियम में लिखा हुआ था। बट वाओ यार, लिटरली और ऊपर चलते हैं अभी यहाँ से, और ये है मेन एंट्रेंस भाई, ये फाइनली टॉप है, यही वो जगह है टॉप वाली, और यहाँ से व्यूज देख सकते हो। चलो गाइज अब नीचे चल रहे हैं फाइनली यहाँ से उतर के, बहुत मज़ा आया यार। आधा घंटा ही लगा हाइक करने में, लोग बोल रहे थे कि 2 घंटे लगेंगे, मतलब 1 घंटा ऊपर आने के लिए 1 घंटा नीचे के लिए, पर अगर आप फिट हो तो जल्दी आ सकते हो। जस्ट 900 मीटर्स का ही रास्ता है म्यूज़ियम से, और बहुत ही प्यारी जगह है यार। हाँ मज़ा आ रहा है, सिर्फ धूप है थोड़ी इसलिए, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पूरी आप ड्रेस देख सकते हो पसीना पसीना हो गई है। और वो जो सामने वाला रॉक था उस पर भी बहुत सारे लोग हैं ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ से दिख रहे हैं सामने की तरफ है वो रॉक, मेरे पीछे की तरफ उधर सामने बोरा। जूम करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, दिख रहे होंगे लोग, ये देखो ये रहे। तो जाता हूँ गाइज अब नीचे, और नीचे से फिर अब दूसरी जगह पे जाने वाले हैं, पूना वाला, पुनर वाला नीचे लिख दूंगा, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम मालूम नहीं है तो मैं नीचे लिख दूंगा उसमें, और चलते हैं और दिखाता हूँ। वो एक्चुअली सेकंड कैपिटल सिटी पहले कहलाई जाती थी श्रीलंका की, तो इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। अब तो मेन जगह है कोलम्बो, और अर्धवनपुरा करके जो एक जगह है वो भी हमारी जगह से, अनुराधपुरा वो करीब करीब 67 किलोमीटर्स दूर है हमारे होटल से, वहाँ भी जा सकते हो, पर वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। वहाँ पे भी मतलब नेचुरल बहुत सारे फॉर्मेशन्स हैं रॉक के, और डिफरेंट डिफरेंट टेंपल्स हैं, बुद्धिस्ट टेंपल्स, तो बात एक ही है। तो अब जिस साइड से आए थे उसके ऑपोजिट साइड से नीचे जाना है, ये पीछे की साइड से यहाँ से जा रहे हैं, ये वाली साइड है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से उतरना है, या शायद वो सेम ही रास्ता है पर आधे रास्ते से अलग हो जाएगा वो। रॉक बहुत स्लिपरी है, स्लिपरी इसलिए हैं बिकॉज ये रॉक बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें पूरा एक मेरा पैर भी नहीं आ रहा है, पर मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। हवा साफ है और हवा चल भी रही अच्छी, गर्मी बहुत ज़्यादा है बस। और यहाँ से भी देख सकते हो पीछे से, वहाँ बेसिकली पूरा आगे तक जाने का है, और वहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो श्रीलंका का। चलते हैं नीचे अब, तो यहाँ से भाई देखो कितनी भयंकर सीढ़ियाँ हैं, मतलब नीचे जाने में तो ऐसा लगेगा फट जाएगी बिल्कुल। खैर अपना जो हरिश्चंद्रगढ़ जो एक फोर्ट है वो ऐसा ही है, और अगर रुद्रनाथ की बात की जाए तो भाई वो तो अलग ही लेवल पे, आपको मालूम है इंडिया में उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा है बिकॉज़ रिस्की है।
और यहाँ से व्यू देखो, बहुत सेक्सी दिख रहा है। चलते हैं यहाँ नीचे, अब फिल्म नहीं करूँगा, अब नीचे पहुँच के आपको बताता हूँ। तो नीचे जाते वक्त गाइस, दिस इज़ द मिरर वॉल। इस पूरी वॉल का नाम मिरर वॉल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लीज़ डू नॉट टच। ऊपर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो भाई आ गए वहाँ से, ऐसा कुछ खास था तो सही नहीं, पेंटिंग्स थी बस। और ये इसको मिरर वॉल इसलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज इसकी जो पेंटिंग है वो एक मिरर को मिरर की तरह थी पहले, मतलब आप जो इस पर पेंट किया हुआ था उससे आप बहुत रिफ्लेक्शन देख सकते थे अपना। पर अब इसको बहुत सारे साल हो गए तो इसलिए अब वो मिट चुका है, अब नहीं दिखता, पर इसी वजह से इसका नाम मिरर वॉल है। और जो एग्ज़िट है वो यहाँ है। कुत्ता इतनी ऊपर क्या कर रहा है मालूम नहीं, पहाड़ पे बैठा है भाई। नाउ वी आर गोइंग डाउन और फाइनली सब दिखा दिया मेरे हिसाब से, मैंने कुछ छूटा नहीं है। तो आ गए गाइस वापस नीचे, और भाई पानी की बोतल यहाँ पे तीन गुना मिल रही है, 300 श्रीलंकन डॉलर्स में मिल रही है, उसको 4 से डिवाइड करो, इतने की है तो घर से लेके आना सबसे सही है। वैसे भी बोलते हैं यार बैकपैकिंग में सबसे ज़्यादा खर्चा पता है पानी पे होता है, और यहाँ पर तो ठीक है यूरोपियन और जो दूसरी कंट्रीज़ है स्विट्ज़रलैंड है उधर तो भाई अलग ही लेवल पे खर्चा होता है। इन बॉटल्स पे 500-600 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ की एक बॉटल मिलती है, तो इसलिए खुद की बॉटल कैरी करनी चाहिए हर बार, इस बात का ध्यान रखना चाहे कहीं भी जाओ। ऊपर पानी मिल रहा था, खैर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। यहाँ पर तो टूरिस्ट जो दूसरे फॉरेनर्स हैं उनकी खड़ी हुई है बसेस और मिनी वैंस, मेरे भैया आ रहे हैं अभी। और यहाँ पे कुछ सुवनियर्स मिल रहे हैं, यहाँ से आप आते हो नीचे की तरफ और यहाँ पे पीछे की तरफ सुवनियर्स मिल रहे हैं बहुत सारे, और ये रहा सामने रॉक। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस। मज़ा आया, 20-25 मिनट लगे और नीचे आ गए वापस। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पर ठीक है। जस्ट वन मिनट, ही इज टर्निंग, वाओ। तो भाई रास्ते से जा रहे थे अभी पूना राबुला जो जगह पे हम जा रहे हैं, और ये देख सकते हो आप कितनी प्यारी स्कल्पचर बनी हुई है यहाँ पर बुद्धा जी की, और पीछे इसके पूरा लेक है, यहाँ से इनकी एंट्री है देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वो सामने की साइड भी, मैं एक्चुअली जा रहा था, मैंने भैया को रुकवा दिया, मैंने सोचा देखें और क्या है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये पीछे पूरी नेचुरल लेक है, बहुत बड़ी लेक है, ऐसा वैसे लग रहा है कि ये समुंदर है पर समुंदर नहीं है, लेक है। और राइट साइड भी ब्यूटी देख सकते हो, क्या प्यारा लग रहा है, वाओ। चलते हैं आगे। तो भाई रास्ते में ये मॉनिटर लिजर्ड, अरे बाप रे, देख के ही फट गई मेरी, ओ भाई ओ भाई। ये रास्ते में रोका है और ये भैया इसको ये खिला रहे हैं, ओ बाप रे। छोटी लिजार्ड तो ठीक है, आप इस लिजार्ड को देखो यार, लिटरली देख के फट गई भाई। देख रहे हो भैया क्या कर रहा है, खतरनाक है भैया, दूर रहो। ओनली वन लिजर्ड देयर, ओके। हाँ ओके।
भाई बहुत सारी छिपकलियाँ हैं यहाँ पे इस पानी के अंदर। वो भैया बुला रहे हैं एक और। अरे बाप रे बाप, वो देखो वहाँ से एक और आ रही है। ओ भाई पहली बार इसको इतनी पास से देखा है यार, बहुत डेंजर है। दिस इज मॉनिटर लिजर्ड। इसको भी ऊपर लेके आ रहे भैया। और वो दूसरा हो रहा। ओ भाई बहुत सारी है इस पानी के अंदर। तो भाई अभी खाने के लिए रुक गए हैं, जस्ट बिकॉज अभी दिन की 2 बजी है तो सोचा खा लिया जाए कुछ, बिकॉज सुबह से कुछ खाया तो है नहीं। ब्रेकफास्ट लिया था बस बेकरी में, वहाँ पे मैंने फिल्म नहीं किया था, पर ये बहुत अच्छी जगह है। 2200 श्रीलंकन रुपीज़ में इन्होंने पूरा बुफे दिया है, बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की बहुत सारी लोकल डिशेज हैं और कुछ कुछ तो इंडियन है। ये पूरा बुफे है, ये चिकन सूप है, मैं पी रहा हूँ, बहुत सही लग रहा है। और ये देख सकते हो राइस, नूडल्स, मैक्रोनी, दाल, उसके अलावा चिकन, और ये भाई बॉइल्ड सब्जियाँ, पटैटो, और ये कुछ सैलड्स हैं अलग अलग टाइप के। उसके अलावा बहुत सारी इन्होंने चीज़ें बताई यार। और ये मैंगो का अचार है, बहुत अलग ही टाइप का बना हुआ है। और ये कोई कोकोनट रोटी है पीछे, उसके अलावा ड्रम स्टिक, और ये शायद बीन्स है। यहाँ पे कॉफ़ी, चाय, और यहाँ पर बाकी सारे फ्रूट्स और सारी चीज़ें हैं, और सब अनलिमिटेड है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब जितना खाना है खाओ, 2200 श्रीलंकन रुपीज़ में तो करीब करीब ये बनते हैं 600 रुपये, 550-600 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो सही है, बुफे ले सकते हो, बहुत सही लग रहा है यार ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही सेक्सी लग रहा है। ओके थैंक यू। तो अब खाते हैं और खाने के बाद चलते हैं आगे की तरफ। गाइस खा लिया जाए थोड़ा वापस, अभी बारिश का मौसम होने लग गया यार। सुबह गर्मी हो रही थी इतनी, और अभी वापस बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर। तो भाई लोग फाइनली बाहर आ गए, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये म्यूज़ियम ही है। और म्यूज़ियम में अंदर कोई भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर अच्छा था। और यहाँ पे भी पासपोर्ट आपको लेकर आना पड़ेगा। चलिए, ये जो पूरी जगह आपको दिख रही है, ये पोलो नरुआ है जो मैं आपको बोल रहा था। बहुत एंशियंट मतलब यहाँ की साइट है श्रीलंका की, और बहुत अपनी इसकी पूरी हिस्ट्री है। बुद्धा जी, और उसके अलावा शिवा, ये कितनी प्यारी लग रही हैं बटरफ्लाइज यार, देखो बहुत प्यारी लग रही हैं। तो बात ऐसी है गाइस कि यहाँ की अपनी ही एक हिस्ट्री है और ब्यूटी है, जो आपको यहाँ पर आके खुद ही विज़िट करना पड़ेगा। बहुत सारे अंदर एंशियंट चीज़ें रखी हुई थी यार, वो आपको आके देखना पड़ेगा। पासपोर्ट लेकर आओगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। $12.5 की टिकट थी, करीब करीब 1000 रुपये, 1070 रुपये। और अगर नहीं लेके आओगे और इंडियन हो तो आपको $25 भरने पड़ेंगे, जैसे US वाले, UK वाले भरते हैं। एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको श्रीलंका ने 50% ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर, ड्यू टू सम रीज़न आई डोंट नो। पर चलते हैं अभी बाहर। और ये जो जगह, ये ओल्ड पोलोनरुआ है, और अभी न्यू पोलोनरुआ साइड जाएंगे और चल के देखते हैं। अब वहाँ पे भी अगर कोई म्यूज़ियम हुई तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, आपको खुद ही आके देखना पड़ेगा। ये दिया भाई ये टिकट, और उन्होंने कुछ तो दिया ये पढ़ने के लिए इस जगह के बारे में। चलते हैं,
बाहर की तरफ। ये सामने है मेरी टुक टुक और इससे हम अभी जाने वाले हैं। और यहाँ से एंट्रेंस है म्यूज़ियम की, जहाँ से मैं अंदर गया था और यहाँ से बाहर आया। और ये है मेरी टुक टुक। गुड गुड। तो भाई आ चुके हैं वापस दूसरी साइड पे। एक्चुअली बात ऐसी है कि जो अभी हमको ये टिकट मिली, ये है कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हो। और ये $12.5 की जो टिकट थी, इसके दम पे आप सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं देखने वाले हो, दूसरी चीज़ें भी देखने वाले हो। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, कोई किंग का पैलेस है, ओल्ड जो एंशियंट मैं आपको चीज़ें बोल रहा था जो म्यूज़ियम के अंदर भी बताई हुई हैं। इसलिए पहले म्यूज़ियम देखते हैं और उसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं ताकि पता पड़े कि एक्चुअली क्या है। वैसे तो गाइड्स और ये सब हर जगह मिलते हैं, पर मैं गाइड्स लेता नहीं हूँ यार, और ना ही कोई सामान ख़रीदता हूँ। 10 बार कोई ना कोई आता है, सबको मना करना पड़ता है, क्या करें। सो दिस इज़ द प्लेस, ये आप देख सकते हो एंशियंट पूरी साइट है ये, और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पढ़ लेना अगर रोक के पढ़ना चाहो तो। वैसे कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज़ ये ब्लैक ब्लैक सब मिट चुका है। रॉयल पैलेस, सो दिस इज़ दी एंट्री टू दी रॉयल पैलेस। ये म्यूज़ियम में भी था, इसका पूरा इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन मतलब, और देख सकते हो ये सब पुरानी, बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है और उसके रूम्स बचे हैं अभी एबेंडेंट। सही है, मतलब एक बार तो देखने लायक है। ये पहले का, बहुत पहले का पैलेस है, कुछ इस तरीके से। बस रूइंस बचे हैं यार, और तो कुछ है नहीं खास देखने लायक। इधर से भी देख सकते हो, पूरा ख़त्म हो चुकी है ये जगह मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ से पीछे गार्डन्स हैं अलग अलग, गार्डन्स मतलब गार्डन भी नहीं है, जो नेचुरल जंगल है वही है पूरा। अब उधर चलते हैं सामने की साइड, उधर स्विमिंग पूल है उस साइड। मतलब मेरे को ऐसा कोई ख़ास नहीं लगा यार इस जगह को देखने के लिए, पर यह है कि हाँ ये पोलो नरुआ जो है यार, मैं अभी तक भी इसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर इस जगह का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक बार देखना बनता है। और जिसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है कि भाई जानना ही है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो म्यूज़ियम में आके देखो और उसके बाद यहाँ पर आके इस जगह को विज़िट कर सकते हो, तो आपको पता पड़ेगा। सिर्फ ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है तो सही मज़ा आ रहा है, पर म्यूज़ियम के अंदर हालत बहुत ख़राब थी भाई, उधर अंदर गर्मी बहुत थी और पसीना बहुत आ रहा था, बिकॉज़ अंदर बिल्कुल भी ना एसी था और ना ही फ़ैन था, तो बिल्कुल 12 बज गई आधा घंटा वहाँ पे घूमने में। बहुत गंदी ह्यूमिडिटी है यार यहाँ पे, सुबह को मतलब जब इच्छा होती है बारिश पड़ती है, जब इच्छा होती है यहाँ पर गर्मी एक ही दिन में। और ये है भाई उधर सामने की तरफ स्विमिंग पूल और गार्डन, ये भी सब एंशियंट प्लेसेस ही हैं पूरी, जिसको आप एक बार देख सकते हो। उधर सामने चल के दिखाता हूँ। तो ये है भाई काउंसिल चैम्बर
इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो रोक के। और यहाँ पे लायंस इमेज है, ये एंट्रेंस है कुछ ऐसा। इसके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन था वैसे इन दी म्यूज़ियम। ये जो था ये वो जगह की पैर साफ़ करने की है, इससे पैर साफ़ करते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था म्यूज़ियम में। और उसके बाद आदमी प्यूरिफाइड कहलाता था, बेसिकली वही है। ये देखो, और यहाँ से ये बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। तो बेसिकली ये स्विमिंग पूल नहीं है, नीचे ही स्विमिंग पूल था, और ये एक एंशियंट जगह है, काउंसिल चैम्बर पोलानरुवा। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, कोई ख़ास जगह नहीं है, पर ठीक है, आप अगर इस जगह पे आओगे तो एक बार देखना बनता है। चलते हैं गाइस वापस टुक टुक की ओर। तो भाई यहाँ पर आ गए हैं वापस, ये दूसरी साइट है, वही टिकट लेके जाना है यहाँ पर भी। और यहाँ पर पांच साइट्स और हैं जो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये भी पूरी एंशियंट साइट्स ही हैं जो पूरी पोलानरुवा की ही है। यहाँ पे कोई शिवा टेम्पल्स है अंदर, एकदम पुराने, तो वो दिखाता हूँ। पर फिलहाल भाई ये वाला जो कोकोनट है ना, ये अपने इंडिया के कोकोनट से इतना ज़्यादा मीठा है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा है। इंडिया के कोकोनट का जो पानी होता है वो ज़्यादा मीठा होता नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शक्कर डाल दी है इसमें। और ये यहीं पे पीछे ही मिल रहा है, आगे की तरफ वो साइड्स हैं, एक पीछे की तरफ और यहाँ पे पीछे की तरफ पूरा ये है, ये सब कुछ। बंदर भी बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे खाने पीने की जगह है, चलते हैं अंदर और देखते हैं जगह। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है डालडा मलुआ, बिल्डिंग्स ऑन दी क्वाड्रेंगल व आई द श्राइन्स फॉर दी टूथ रेलिक और कनेक्टेड विथ इट्स वर्शिप। तो यहाँ से रास्ता है ऊपर की तरफ। बहुत सारी चीज़ें म्यूज़ियम में लिखी हुई थी, ये जो अभी आपको दिख रही हैं, सेक्रेड क्वाड्रेंगल। बहुत सारे ऐसी भी जगह हैं जिसमें बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन किया करते थे। और नो फोटोग्राफ विद बैक टुवर्ड्स दी स्टैचू, अच्छी चीज़ लिखी हुई है यार, इंडियंस को भी फॉलो करनी चाहिए। प्लीज़ रिमूव हैट्स एंड शूज़ बिफोर एंट्री, हाँ बिकॉज अंदर सब शिवर टेम्पल्स हैं और बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, तो ये तो बनता है। बहुत सारी जगह है यहाँ पर, हर किसी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, और हर किसी का एक एक नंबर है। सतमहल प्रसाद, सतमहल प्रसाद ऐसा कुछ चाहिए। उसके अलावा पोहो, पोहो या गया, ओके पोहो या गया। और ये है बेसिकली, यहाँ से शायद चढ़ने की पूरी जगह थी जो कि अब बचा नहीं है कुछ भी खास, यहाँ पर सब पुराने रुइंस हैं। चलते उधर जहाँ पर सारे लोग हैं। एक्चुअली इस जगह पे पांच चीज़ें हैं देखने की जो मुझे बाहर टुक टुक वाले भैया ने बताया।
ये भी एक स्टोन है, गलपोटा, गलपोटा इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और स्टोन बुक, ओके ये स्टोन की बुक है गलपोटा, ये जो सामने है इसके ऊपर सारी चीज़ें इंस्क्राइब्ड है। दिस इज सेक्रेट प्लेस ऐसा लिखा है यहाँ पर, ये वाली पूरी जगह। और हट डागे ऐसा ही कुछ लिखा है, हेटा डेग पूरी बिल्डिंग देख सकते हो यहाँ से, दिख रहा होगा आपको अंदर, अंदर फोटोज अलाउड नहीं है, है भी नहीं कोई देखने वाला, पर फिर भी जब नहीं लिखा है तो कौन ही ले यार। विष्णु और बुद्धा जी लग रहे हैं मुझे, उसके अलावा शिव के कुछ स्क्रिप्चर्स, शिव के मतलब कोई स्टैचूज है अंदर। और एक ये जगह है और एक वो सामने अंडर कंस्ट्रक्शन एक जगह है, शायद उधर अंदर जाना अलाउड ही नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे। बोधि सत्व इमेज हाउस, ये म्यूज़ियम में भी था, ये उसी का ओरिजिनल फॉर्म है, म्यूज़ियम में तो शायद रेप्लिका था। और इधर भी है ये प्लेस, उसके अलावा एक ये जगह है सामने की तरफ, और ये भी कुछ रूइंस बचे हुए हैं अंदर म्यूज़ियम में, इसके बारे में भी लिखा हुआ था, ये भी कोई मोनेस्ट्री थी शायद, जिसके अब से पिलर्स बचे हैं। और सामने बुद्धा जी हैं, इसका नाम है एटा डेग ओके। एंड नाउ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हर कोई जा रहा है, और कहीं तो कोई है नहीं, शायद देख लिया होगा, तो यहाँ पर शूज़ उतार के चलते हैं अंदर। बेसिकली बुद्धा जी हैं सामने, आप देख सकते हो, और यहाँ साइड से भी। पूरी बिल्डिंग देख सकते हो आप पूरी साइड से, अंदर बहुत सारे स्टैचूज हैं डिफरेंट ओल्ड। यार सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं यार, बिकॉज म्यूज़ियम में सब देख ही लिया अंदर क्या है, इसलिए पूरी एकदम गोल प्लेस बनी हुई है। और ये तो पूरा वही जंगल ही है, ये देखो ये दूसरा एंट्रेंस है, और अलग अलग यहाँ पे भी स्टैचूज बने हुए हैं पूरे दीवार पे। तो बेसिकली यही है पोला नरुआ। अगेन यहाँ से एक थर्ड गेट भी है एंट्रेंस, इस पे भी अलग अलग स्टैचूज बने हुए हैं, ये भी देख सकते हो। और यहाँ से अगेन बुद्धा जी है सामने, चलते हैं गाइस। और सामने है एक बिल्डिंग, तो ये सब है ओल्ड पोलो नलुआ के बारे में। यार 100 बार इसका नाम बोल लिया है, पर अभी तक भी मैं परफेक्ट प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूँ, इसको हद हो गई। तो उसी जगह पे थोड़ा सा आगे आने के बाद ये एक जगह है जो हिंदू टेंपल है,
और भैया इसके ऊपर कैसी खतरनाक लिजार्ड घूम रही है। ये गणेश जी हैं, ये आपको दिखा क्या है? ये कमेलियन है क्या भाई? आते से ही लिजार्ड दिख गई, उसके पीछे जाके छुप गई। वो कमेलियन थी कि क्या थी मालूम नहीं है मुझे। यहाँ शायद छोटी लिजार्ड थी कोई, पर बड़ी थी यार, बहुत अच्छी खासी बड़ी थी, उसके पीछे छुपी हुई अभी। खैर, ये है हिंदू टेंपल जिसके कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं, और ये भी वही है ओल्ड पोलो नरुआ की साइट जगह। भाई ये स्पेलिंग फाइनल पढ़ी लो यार, पोलो नरुआ बोलते हैं इसको। और यहाँ पे भी एक और है वैसा ही। वो जितनी डेंजर छिपकली थी ना, उस हिसाब से लग ही रहा है कि ये कितनी पुरानी जगह है और यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है भाई। और ये वैसा ही है, अपने शिवलिंग को जब अपन दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो यहाँ से पानी निकलता है बाहर। ये उसी का ओल्ड पूरा स्ट्रक्चर है, आगे से दिखाता हूँ। और जिस हिसाब से आप आइट साइड में देख सकते हो, कोई है ही नहीं यहाँ पर, मुझे लग रहा है मैं ही आ गया हूँ। ये नंदी जी हैं, और यहाँ पर टेंपल है, बंद है अभी तो, और अंदर शिवलिंग ही है, और ये पूरा ही उसका टेंपल है बाहर का, और साइड में ये दोनों रखे हुए हैं, देख सकते हो यहाँ से, बहुत पुराना है। तो बेसिकली ये जगह है पूरी हिंदू टेंपल, जो उसकी सिक्स्थ प्लेस है पोलो नरुआ की। और यहाँ पर हर थोड़ी देर में एक तो टेम्परेचर बदल जाता है, अब फिर बारिश का मौसम हो गया, थोड़ी देर पहले धूप, उसके मॉर्निंग में फिर बारिश, ऐसा ही चलता है यहाँ पे। चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, मेरी अकेले भी रुकने की कोई इच्छा नहीं है यहाँ पर। पर इस जगह को गाइस वैसे चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, मैं तो आ गया, अवॉइड कर सकते हो इस जगह को कम्प्लीटली। सिगरिया हाँ मस्ट विज़िट है एक बार, पर सिगरिया से ये करीब करीब 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है पोलो नरुआ, तो इसको अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, जो जो मैंने आपको दिखाया, तो आप इस जगह को अवॉइड करना, और आके देखना हो तो देख सकते हो भाई। चलते हैं यहाँ से। तो भाई ये थोड़ी जगह अच्छी दिख रही है। एक तो यहाँ पर हर जगह ध्यान देना पड़ता है कि भाई कोई एनिमल तो नहीं है, बिकॉज अगेन इस पेड़ से भी आवाज़ आ रही है। खैर, थोड़ा सा आगे आने के बाद ये स्तूपा है, और ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार स्ट्रक्चर, जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये भी उसी जगह का ही पार्ट है। बेसिकली ये बहुत बड़ी जगह है यार, ये पोलो नरुआ जो है ना, ये बहुत बड़ी जगह है, और हम इधर ही घूम रहे हैं। मतलब एक तरीके से सोच सकते हो कि ये पूरे जंगल है, और इस जंगल के बीच में ये सब कुछ बसा हुआ है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक एक करके जो भी मैंने आपको दिखाया वो इस जंगल के बीच में ही है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके के, वहाँ पर आगे की तरफ ऐसे छोटे छोटे एकदम स्लैब्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रेड स्टॉल, तो बेसिकली उसमें ट्रेडिंग चलती थी शायद पहले के ज़माने में। और ये है मेन स्तूपा, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पर बिल्डिंग पूरी ओल्ड है। थक गए यार भाई इस जगह पे आके, तो मॉन्यूमेंट्स मेरे को हर बार थका देते हैं यार, मॉन्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ों में मेरे को ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट होता नहीं है। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा, मेरे को जनरली बीचेस, वाइल्ड लाइफ, और लाइक इतनी शांति भी अच्छी नहीं लगती है, थोड़े लोग होने चाहिए, उससे लगता है कि हाँ यार जगह में वाकई कोई दम है, तभी लोग आ रहे हैं।
ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं पर डिसेंट क्राउड तो होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार, सिर्फ ये दो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे। अब बात ऐसी है कि भाई जूते तो उतार दिए पर इस मिट्टी में ना बहुत सारी चींटियाँ चल रही है, काट न ले बस। और देखो यहाँ पे मॉन्ग स्प्रे कर रहे हैं, और यहाँ पे सामने बुद्धा जी की एक स्कल्पचर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और ये है पूरा स्तूपा, पूरा गोल ऐसा ही है। और यहाँ पे प्रेयर चल रही है, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, देख सकते हो। और ये पूरी रेती ही है, पूरी की पूरी। और ये जितने भी आपको सामने फ्लैग्स दिख रहे हैं सब बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं। और ये पूरा गोल ऐसा ही स्ट्रक्चर है, अच्छी जगह है और वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, बिकॉज पूरे जगह पे एक अलग सी महक आ रही है यार, शायद इन्होंने कुछ जलाया हुआ है। अच्छा उधर सामने जल रहा है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा खुशबू है उसमें, शायद अगरबत्ती है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर एक पेड़ है, और सामने की तरफ बस अभी सनसेट होने वाला है, बिकॉज 4:22 हो रहा है अभी, तो करीब करीब यहाँ पे सनसेट हो ही जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे दिए जल रहे हैं, अच्छी जगह है ये, दूसरी जगहों से तो बेटर है, मतलब एक बार देखने लायक है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। देख लो भाई, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, वापस अभी बारिश शुरू हो गई है, और भैया ने मेरे को ये छाता दे दिया। खैर मैं रेनकोट लेके आया था, पर अब मैंने सोचा कौन ही निकाले। पर ये आप, ये जगह बहुत ही प्यारी दिख रही है, और बारिश के साथ तो और खूबसूरत लग रहा है। ये लेक ही है बेसिकली, और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। एक्चुअली ये मैंने हाथ में अभी भी पकड़ा हुआ है, ये एक टिकट बची है जो अभी यहाँ पर कटेगी, गलवी यारा। यहाँ पर एक्चुअली एक बुद्धिस्ट बहुत बड़ा टेम्पल है अगेन, जो हम देखने आए हैं, तो यहाँ से जाना है और यहीं पर कटेगा। पर यहाँ पे ये 2-3 बर्ड्स और दिख रहे हैं, स्वान्स है बेसिकली, स्वान ही है, दिखाता हूँ। पता नहीं कितने जानवर दिखा दिए मैंने आज इस पर्टिकुलर वीडियो में यार, बहुत सारे जानवर दिख गए मुझे आज, और प्यारे लग रहे हैं ये देख सकते हो, क्यूट एकदम। और उधर सामने भी बहुत सारे तैर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। और भाई ये नज़ारा वाव, थोड़ा दूर से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं अंदर। तो भाई मज़ा आ गया यार ये जगह पे, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत माहौल हो रहा है, बहुत ही प्यारा लेक है। और बारिश और उसके साथ साथ धूप कंटिन्यूसली, जो कि 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से यहाँ पे जब से मैं हूँ, ऐसा ही एटमॉस्फेयर है, बारिश धूप कंटिन्यूसली। एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड, यहाँ से फ्रॉम हियर। और यहाँ पे टिकट चेकिंग पॉइंट है, कैन यू टेक दिस? ओके फाइन। तो भैया टिकट काट ली आखिरी वाली भी जो उसमें थी, और अब जा रहे हैं अंदर। एकदम से बारिश चालू हो गई यार, और ये वाली जगह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी होगी, बिकॉज एक टिकट कटी है यार। जो पहली टिकट कटी वो म्यूज़ियम में कटी, दूसरी जो मैंने आपको इतने सारे साइट्स दिखा है वहाँ पे कटी, और थर्ड वाली यहाँ पर कटी है। एक्चुअली यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं,
और वापस बाहर निकल के उधर सामने की तरफ वापस जाना है लेक के सामने, वहाँ पे भी एक और एक वॉल बनी हुई है, एंशियंट वॉल, वो भी चल के आपको दिखाता हूँ मैं। ये जगह थोड़ी सी, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है उससे। फाइनली थोड़ा इंटरेस्ट जग गया। ये है बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देख सकते हो यहाँ से। तो गाइज यही वो जगह है, वहाँ पे सामने एक स्लीपिंग बुद्धा है और यहाँ पर जो मेन बुद्धा, और वहाँ पर भी दो स्कल्पचर्स और है उसके पास में। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है नो डाउट। और यहाँ पर बीच पे, जो बीच वाली जगह है, यहाँ पर मेन बुद्धा जी हैं, दिख रहा होगा आपको। मैं अभी अंदर जा नहीं रहा हूँ जस्ट बिकॉज जूते उतारने पड़ेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ही अलाउड है। और यहाँ पर फोटोग्राफ इज प्रोहिबिटेड विद पर्सन ऐसे लिखा हुआ है, एंड दिस इज सेक्रेट प्लेस। सब एंशियंट है, सब पुराना है बहुत ज़्यादा। चलते हैं गाइस बाहर। ये यहीं पे था, जितना था यही था, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो गाइस ये वाली जगह है दूसरी जगह, जस्ट उसके सामने, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा स्तूपा बना हुआ है वाइट कलर का, जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो पूरा सीमेंटेड था, सीमेंट तो नहीं पूरा स्टोन का था, और ये पूरा जो है ये वाइट कलर का बना हुआ है। और साइड में बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये जगह थोड़ी अच्छे से मेंटेन्ड की हुई दिख रही है, बहुत बड़ी जगह यार भाई। मतलब ये एक तरीके से बहुत बड़ा किंगडम था किसी का, राजा का, तो उसके सब एंशियंट चीज़ें यहाँ पर जो जो बची है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आगे जाके ये आ गया स्तूपा वाइट कलर का पूरा। शूज़ अंदर अलाउड नहीं है, हैड्स भी अलाउड नहीं है। तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ गाइज, मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज बारिश पड़ रही है और बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये रहा सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, सिर्फ ये वाइट कलर का है बस, और कुछ अलग से कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी वैसे ही प्रेयर्स चलती हैं, और राइट साइड में वो स्टॉल्स बने हुए हैं जो मैं आपको बोल रहा था, जिसमें ट्रेड चलती थी। और ये जो है ये पैर साफ करने का है, म्यूज़ियम में जैसा मैंने पढ़ा था इसके बारे में, इस पर घोड़े और हाथी बने हुए हैं, पैर साफ करके अंदर जाया जाता था उस ज़माने में जब का ये है। डिसेंट जगह, चलते हैं गाइस बाहर। एक्चुअली यहाँ की एक ख़ास बात और है, यहाँ की ख़ास बात यह है कि आप जब पोला नरुआ जब आओगे तो यहाँ पे रुक तो सकते ही हो, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स अब आपको मिल जाएंगे, बिकॉज पूरी जंगल एरिया ये एक तरीके से जंगल, और थोड़ा सा है मतलब ट्रांसपोर्ट, और थोड़े लोग बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत लोग भी रहते हैं यहाँ पर। और रात को ये लोग कहाँ जाएंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे बेचने वाले और सारे लोग अभी दिख तो रहे हैं, पर ये रात को कहाँ होंगे ये मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज़ आसपास कोई घर तो बना हुआ है नहीं इस जंगल के अंदर। अब ये कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट आप यहाँ पर बाइसिकल जो है वो भी रेंट पर ले सकते हो 1000 श्रीलंकन रुपीज़ में पर डे, और उससे एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी फॉरेनर्स हैं वो उसी से घूम रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, और उससे ये पूरी आप जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको टुक टुक की भी ज़रूरत नहीं है। पर भाई टुक टुक से आना है तो टुक टुक से आ जाना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है और
एक दिन में पता नहीं कैसे कवर होगी ये मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज एकर्स में है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा आप सोच सकते हो कि कितने एकर्स का ये जगह होगा, जस्ट बिकॉज हम घूमे ही जा रहे हैं 2-3 घंटे से और फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो गाइज आ चुके हैं वापस अपने होटल में, अपने रूम में वहीं पे, और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइज, वैसे भी बहुत बड़ा हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी जगह होगी यार, और मतलब मेरे को तो वो वर्थ इट नहीं लगा। अगर आप भी चाहो तो आप उस प्लेस को स्किप कर देना और कोई दूसरी जगह पे चले जाना। खैर मैं अब कल मॉर्निंग में अगर इच्छा हुई तो दम्बुला देखूंगा, बिकॉज दम्बुला में बेसिकली केव टेम्पल ही है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ है नहीं। दम्बुला एक मेन सिटी है जहाँ से पूरा श्रीलंका कनेक्टेड है। इवेंचुअली आप यहाँ से अलग अलग जगहों पे जा सकते हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और अब कल अगर हुआ तो मैं दम्बुला देखूंगा और उसके बाद मैं कैंडी जाने वाला हूँ यहाँ से, और अगर इच्छा नहीं हुई मुझे वो केव टेम्पल देखने की तो मैं डायरेक्टली कैंडी चला जाऊँगा। कैंडी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो उसके बारे में तो मैं आपको कल ही बताऊँगा। और मिलते हैं गाइस फिर कल के ब्लॉग में, और अपने day 3 को इन्जॉय करेंगे यहाँ तो डम्बुला में और यहाँ फिर कैंडी में। और अगर मज़ा आया हो इस ब्लॉग में तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना दूसरों के साथ, और मिलते कल के ब्लॉग में कैंडी में। बाय बाय।